नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज हर प्रकार की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, अभी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप लहसुन का साइज बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप लहसुन को हरा भरा रख सकते हैं, और किस तरीके से लहसुन का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो लहसुन है उसमें इस प्रकार से कंद बनना शुरू हो चुके हैं, और इसकी हाइट भी लगभग इस तरीके से है। इस प्रकार से अभी कंद बन गया है, और आपको 80 से 90 दिन में इसमें कुछ काम करना होते हैं, और कौन से स्प्रे आपको इसमें डालना है और कौन से खाद ऐसे डालना है ताकि इसका साइज अच्छा बढ़ सके, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। किसान भाइयों, लहसुन का साइज बढ़ाने के लिए आपको शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको लहसुन का भी उत्पादन भी ठीक मिलेगा, उसी के साथ साथ आप इसका साइज भी अच्छा ले सकेंगे। जैसे कि आपको लगाने से पहले ही इसमें गोबर की खाद की भरपूर मात्रा में उपयोग करना है, और गोबर की सड़ी खाद, पकी हुई खाद को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपयोग करना है, ताकि इस पर पीलापन की समस्या भी नहीं आएगी उस खाद की वजह से। उसी के साथ साथ इसके कंद का साइज भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो गोबर की खाद का उपयोग आपको भरपूर मात्रा में करना है। उसी के साथ साथ आपको वेराइटी अच्छी लगानी है, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, तो आपको ऐसी वेराइटी का चयन करना चाहिए ताकि जो रोग प्रतिरोधक हो और उसका साइज काफ़ी अच्छा बने। तो आप अगर देसी लोकल वेराइटी लगाते हैं तो उसका साइज उतना नहीं बन पाता है, और वो छोटी रह जाती है, इसलिए आपको वेराइटी भी अच्छी चुनना पड़ेगी। उसी के साथ साथ आपको लगाने की विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अगर क्यारी में लगाएंगे तो क्यारी में उतना साइज नहीं बन पाएगा। अगर आप बेड विधि से लगा रहे हैं और बेड विधि पर आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं या फिर आप स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, तो वैसे में लहसुन का साइज काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये दो तीन बातें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लहसुन का साइज काफ़ी अच्छा बन जाता है। और अगर आप फ्लड विधि से लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो लहसुन है फ्लड विधि से ही लगाई हुई है, तो फ्लड विधि में क्या होता है कि आप जब फ्लड से पानी चलाते हैं तो पौधे को डायरेक्ट पानी लगता है, जिसकी वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है। तो मिट्टी सख्त होने के कारण उसका साइज इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। तो लहसुन में आपको शुरुआत से अच्छे खादों का प्रयोग करना है, गोबर की खाद का प्रयोग करना है, और जितनी मोटी लहसुन का तना होगा, जो लहसुन का तना है जितना ज़्यादा मोटा होगा और इसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लहसुन का साइज भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और इसमें हमें 70 से 80 दिन पर कुछ ऐसे खाद भी डालना चाहिए ताकि लहसुन का साइज बढ़ सके, जिसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप एक एकड़ के लिए करीब 20 किलो के लगभग ले सकते हैं। उसी के साथ साथ एक एकड़ में 2 से 3 किलो बोरान भी आप लें, और दोनों को अच्छे से मिला लें, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को अच्छे से मिला लें। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी कैल्शियम नाइट्रेट भी आते हैं जो कि बोरान की मात्रा उसमें मिली हुई होती है। तो आप रेडीमेड अगर बोरान सही लाना चाहते हैं तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, थोड़ा आपको सर्च करने की आवश्यकता होगी। तो आपको 2 से 3 किलो बोरान लेना है, 25-20 किलो के लगभग 20 किलो के लगभग कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, अच्छे से दोनों को मिला लेना है और फ्लट कर देना है, और फिर उसको पानी दे देना है। और जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं वो डायरेक्ट ड्रिप में भी चला सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को, पानी में पंप में घोल के और उसमें बोरान मिलाकर डायरेक्ट भी चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और आप बात रही स्प्रे की, तो स्प्रे में हमें 70-80 से 90 दिन के बाद इस पर 0050 डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 0050 में सबसे ज़्यादा पोटास होती है, और सिर्फ पोटास ही होती है, और कोई भी फसल हो उसमें कंद बनने के समय अगर आप 0050 का उपयोग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी फसल हो उसमें साइज बनने के समय फसल को पोटास की ही आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपको उसमें ना तो नाइट्रोजन की आवश्यकता चाहिए, ना तो उसमें आपको फास्फोरस की आवश्यकता चाहिए, बस आपको उसको पोटास देना होता है। तो जो किसान भाई फ्लड से करते हैं वो चाहे तो फ्लड से भी पोटास दे सकते हैं, और अगर आप स्प्रे से लेना चाहते हैं तो स्प्रे में आप 0050 ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं जिनके यहाँ 0050, 1919 ऐसे जो वाटर सोल्युबल खाद होते हैं ये अवेलेबल नहीं रहते हैं,
तो फिर पोटाश का ही उपयोग कर सकते हैं, प्लट से पोटाश डालकर छिड़काव का पानी दे सकते हैं। तो 1 एकड़ में आपको करीब 20-22 किलो पोटाश ले लेनी है, और कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान और पोटाश, और फिर उसमें छिड़क कर पानी दे देना है। या फिर आप 0050 का उपयोग करना चाहते हैं तो 0050 आप स्प्रे से दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको PGR का भी उपयोग करना होगा। PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको सिजेंटा कंपनी के कल्टार के नाम से मिल जाएगा, या फिर एक जो आता है घड़ा कंपनी का चमत्कार के नाम से मिल जाएगा, और जो BASF कंपनी का आता है उसका लियोसिन के नाम से मिल जाएगा। तो आप PGR का उपयोग भी कर सकते हैं। PGR आपको 15 लीटर पानी के साथ 20 से 30 ml डालना होता है। आप थोड़ा और कंफर्म कर लीजिएगा दुकानदार से ताकि कितना डालना है। उसके साथ आपको 0050 30 से 40 ग्राम लेना है एक पंप में 15 लीटर पानी के साथ, और अच्छे से स्प्रे कर देना है। जिन किसान भाइयों की लहसुन मीडियम हाइट वाली है और मीडियम तने वाली है, वो एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों की लहसुन की हाइट ज़्यादा हो चुकी है और तने का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है, वो चाहे तो 2 बार भी इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो 70 से 80 दिन के बाद आपको एक स्प्रे करना है, और जो किसान भाई दोबारा करना चाहते हैं वो 10-12 दिन के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप लहसुन में दवाइयों का उपयोग करके, खाद का उपयोग करके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और आप जो देख रहे हैं कि हमारी लहसुन भले ही फ्लड से है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में उपयोग किया है। ये बिल्कुल सड़ी गली गोबर की खाद हमने डाली हुई थी इसमें, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा हरापन बना हुआ है। उसी के साथ साथ इसका आप देख सकते हैं कि इसका तना भी काफ़ी अच्छा है, और अगर तना अच्छा होगा तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो किसान भाइयों, अभी ये लहसुन हमने सिर्फ 2 क्यारियाँ लगाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लहसुन का उत्पादन काफ़ी अच्छे से ले लेंगे। तो यह थी जानकारी लहसुन के बारे में। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं कि इसकी रूट्स कितनी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी कितनी सही है, कितना हरापन है। तो लहसुन में पीलापन पे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें कौन कौन से खाद डालना है। तो जो किसान भाई लहसुन में पीलापन की समस्या से जूझ रहे हैं, वो आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि लहसुन में पीलापन को दूर कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और हमने जो ये लहसुन लगाई है, सिर्फ 2 से 3 क्यारी लगाई है, और बीज के लिए इसको हमने लगाया है, ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लगाया है। अभी हम इसका बीज बना रहे हैं और घर पर बीज बनाकर फिर अगले साल इसकी ज़्यादा मात्रा में बुआई करेंगे। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि पहली बार हमने ये खेती करी है, और उस हिसाब से अगर देखें तो अभी काफ़ी अच्छी लहसुन है। अब हमारे जो पड़ोसियों के खेत हैं और आसपास के जो हमारे खेत हैं, वहाँ पर लहसुन पूरी तरीके से पीली पड़कर ख़राब हो चुकी है। लेकिन लहसुन की खेती काफ़ी जटिल खेती होती है, तो उस हिसाब से इसमें खादों का प्रयोग करना होता है, उस हिसाब से ही इसमें समय समय पर दवाइयाँ डालनी होती है। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।